तिकडे पण एक जागा आहे. एक सवाल है, कितने लोगों को अपने पैरों का तलिया बहुत हेवी लगने लगा है, उन्होंने हाथ ऊपर करना. एक प्रकार का पूरा रिलैक्सेशन आ गया था, कमरे बसून खाली एकदम जड़ और एकदम खाली तळाला उतरल्यासारखं. ओके, कितने लोगों को वो बबल्स महसूस हो गए, बबल फील झाले, म्हणजे आपल्याला असं स्पर्श करून जात आहे काहीतरी. कितने लोगों अंदर से कुछ फीलिंग आ गया, हे भीतर से कुछ प्रवाह फ्लुइड पसरत चाललंय. गुड. एक्झॅक्टली व्हिज्युअलायझेशन को हमने सेन्सुअलायझेशन की तरफ डालने के लिए मैंने उसमें स्पर्श डाल दिया था. मैंने अभी तक उसमें गंध नहीं छोड़ा था, गंध नहीं डाला था, लेकिन मैंने स्पर्श और लाइट इन चीज़ों का ज़्यादा में ज़्यादा उपयोग किया था. एग्जैक्टली मैं एक म्यूज़िक के ऊपर एक प्रयोग करने वाला हूँ. ये बहुत बढ़िया म्यूज़िक है, ये आपको कहीं से भी डाउनलोड करके ले सकते हो, एकदम आसान है. करना क्या है, हम मैंने कहा ना, विजुअलाइजेशन के थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं. जैसे लड़कियाँ विजुअलाइजेशन कर करके किसी लड़के के अंदर फंस सकती है, या लड़का भी वाइस वर्सा फंस सकता है. वो 24 आवर्स उसके सपने देखती रहती है कि अभी वो ये कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, उसके साथ मैं ये करूँगी, मेरा ये घर होगा, मेरे बच्चे होंगे, सारे के सारे सपने देखती है. जबकि वो और भी कई सपने देखता होता है एक ही साथ में, वो उसकी कैपेसिटी होती है. बेचारी वो एक सपना देखती है ताकि वो अनेक सपने देखे. सो मजे की बात यह है कि ऐसी कई सारी आपके जीवन में घटनाएं हो सकती है कि जो आप कैरी कर रहे होंगे, जो अच्छी नहीं हो सकती आपके साथ में. हमें स्ट्रेस, हमें तकलीफ है, सिर्फ अभी के जो हो रहा है उससे नहीं आता है. हमें स्ट्रेस पूर्व प्राचीन घटनाओं के साथ भी संबंधित रहता है. पुरानी याददाश्त के साथ भी हमारा स्ट्रेस रहता है, जुनिया आठवणी, और वो यादें जाती ही नहीं है, सालों सालों से हमारे साथ रहती है. तो क्या उसे हटा सकते हैं क्या? इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज मैं आपको घर में करने के लिए कहता हूँ, यहीं पर कहता हूँ ताकि ये जब अपलोड होगी तो लोगों को पता चले. और यहाँ पर मैं म्यूज़िक के साथ करने वाला हूँ. आप एक सिंपल मेथडोलॉजी करो, रोज़ाना कर सकते हो. जैसे डायरी लिखते हो ना, वैसे आपकी जो भी कुछ तकलीफ है, आपको गिल्ट लगता हो कि मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, पाप कर दिया वगैरह वगैरह, ऐसा पाप पुण्य ऐसा कुछ है ही नहीं. अगर हमारी स्पेसी, हमारा रेस जो डेवलप हो गया, उसने इतने सारे पाप किए हैं, ऐसा पाप किसी दुनिया में धरती पे किसने भी नहीं किया होगा. हमने हमारे जैसे एक दूसरे इंसान को ख़त्म कर दिया जिसका नाम था नियंदेथरल, जो हमसे पावरफुल था और हमसे ज़्यादा अच्छा था, प्यारा था, लेकिन हम समूह में थे और हम ज़्यादा क्रूर थे और हमने नियंदेथरल को ख़त्म कर दिया. आज हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धर्म, शांति, ये वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा वैसा कुछ हम नहीं है. हम अपने आजू बाजू के पूरे नेचर को हर रोज़ विघटित करते हैं, नष्ट करते हैं. जब भी आप कोई एक बिल्डिंग खड़े करते हो, उस जमीन के नीचे रहने, सतह के नीचे वाले हर एक प्राणी को आप मार डालते हो. आप कारपेट करते हो, कॉन्क्रीट करते हो, ताकि वहाँ से वो अर्थवर्म भी बेचारा नहीं आ जावे बाहर. जब भी कोई शहर बनता है तो कितने सारे कछुए नष्ट हो जाते हैं. जब भी कोई शहर बनता है, कितने सारे तालाब बंद किए जाते हैं. हर तालाब में कछुओं का वास होता है. मुंबई में कितने सारे ब्यूटीफुल, वेरी वेरी फैंटास्टिक कलरफुल ऐसे वाटर स्नेक्स थे, जो सारे के सारे हमारे सिवर सिस्टम और ये बनने के बाद चले गए. मुंबई के कितने सारे रेन वाटर के गटर में वो स्नेक्स आते थे नाले में से, फिर हमने नालों को कॉन्क्रीट कर दिया. कहीं भी कुछ भी नहीं रहना चाहिए. हमने गंदगी भरे वाले चूहों को रखा, लेकिन उन चूहों को खाने वाले स्नेक्स को हमने ख़त्म कर दिया. बहुत ब्यूटीफुल स्नैक्स होते हैं वाटर स्नैक्स, बहुत अच्छे अच्छे कलर रहते हैं. हमने जहाँ भी गए, हमने बहुत क्रोर किया है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं. हम अपने धार्मिक कार्य में रेशमी वस्त्र पहनते हैं, जबकि एक रेशमी वस्त्र पहनने के लिए कितने सारे कीड़ों को मारना पड़ता है. हमारा अहिंसा वाला धर्म भी बहुत मजे का होता है. हम कबूतर को डालते हैं खाने के लिए, लेकिन बाकी हम कितने ऐसे भयंकर काम करते हैं. हम कंस्ट्रक्शन बिल्डर बन जाते हैं और सारी की सारी जमीन डोंगर काट, जब भी आप कोई इलेक्ट्रिसिटी जला रहे हो ना, वहाँ पर कोयले की खदान से कोयला निकल रहा है और वो कहीं जंगल ख़त्म कर रहा है. जब भी आपकी एक्स्ट्रा ट्यूब जलती है, जब भी आपका एक्स्ट्रा एसी चला रहता है ना, तभी आप बहुत कुछ विध्वंस कर रहे हो. फिर भी हम एक कहते हैं कि हम एकदम पुण्यवान है, और फिर नई नई ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए सर्व सामान्य लोग पाप किया है, गुनाह किया है, ऐसा समझ के बैठते हैं. टू डिस्ट्रॉय इट, एक काम करिए, हर रोज रात को एक बड़े फुलस्केप पेपर पे लिख डालिए कि मैंने ऐसा ऐसा किया, मन ही मन में. वो पेपर भी करना नहीं, और फिर कल्पना कीजिए वो पेपर एक
नाइट फायर जैसे कहते हैं कैंप फायर वैसा है, उसके अंदर आपने डाल दिया पूरे दिन का जो भी कूड़ा करकट आपने किया है वो अपने ही मन में लिख डालिए और उस फायर उसमें डाल दीजिए, शेकोटी मना के अपन कैंप फायर कहते हो, और उसमें जलते हुए देखिए, जलने के बाद उसकी राख भस्म होकर वो हट जाता है ऐसा देखिए। जैसे कि मेरा हिप्नोटिज्म का जो कोर्स है उसमें मैं एक एडवांस लेवल का साइंस सिखाता हूँ, उसमें मैं चक्रवात करके प्रयोग करता हूँ। यहाँ पर कोई मेरा ओल्ड स्टूडेंट होगा तो उसे मालूम होगा, चक्रवात में मैं लिटरली आपके पुरानी याददाश्त को हटा देता हूँ, चक्रवात में भस्म कर देता हूँ आपके विचारों का, जो आपके पुराने ख्याल या कुछ भी है या कोई घटना है वो आपके दिमाग से हट जाती है फॉर एवर। सेम टेक्निक आप जागृतावस्था में विदाउट एनी गाइडेंस करोगे, आपके मन में रात को लिखोगे कि पूरे दिन में मेरा ये कूड़ा करकट है, मैंने ऐसा ऐसा किया, जला डालो, सुबह वापस आप पुण्यवान बन के बाहर निकलोगे ताकि मैंने कुछ किया ही नहीं। और एग्जैक्टली इसी चीज़ को हम दूसरे रूप से करने वाले, आपके जीवन की जो भी घटनाएं, जो भी प्रसंग आपको तकलीफ देती है, जो भी याद करने से आप डिस्टर्ब होते हो, उन घटनाओं को आपको करना क्या है, पहले दो तीन मिनट, चार मिनट में आपको ऐसे छोड़ने वाला हूँ, इन योर माइंड्स आए आपको उनको बड़ा पेपर का बंच ले लीजिए, उसमें लिख डालिए एक इंसिडेंस या एक घटना जो भी आपको याद आती है उसको हेडिंग देके लिख डालिए। वो लिखने के बाद उसको बाजू में रखिए, ऐसे जितने भी इंसिडेंस आपको लिखने हैं वो पेपर में लिख डालिए, और उसके बाद में उसकी कागज़ की कश्तियाँ नाव बना डालिए, करेक्ट, और एक बहुत बड़ी हारा टोपली उसमें लेकर वो सारी की सारी कश्तियाँ भर दीजिए, और उस कश्तियों को लेकर उन त्यान बोटी ना अपन नावा मंटो ना कागदाचा, उनको लेकर आप एक वाटरफॉल की तरफ आइएगा, वाटरफॉल का म्यूजिक चालू हो जाएगा, ऐसे वाटरफॉल गिरता है और उसके नीचे एक झरना शुरू हो जाता है, उस झरने के बाजू में आप अपने पैर छोड़कर आराम से बैठे हो, झरने के अंदर बहुत कलरफुल मछलियाँ हैं जो मुंबई में बहुत अच्छी होती थी एक ज़माने में, किसी को मालूम नहीं होगा तो मुंबई का एक स्पेशल जामुन था, जामुन आज भी दादर में कहीं कहीं वो जामुन के झाड़ बाकी है, बदलापुर जामुन से बड़ा और सबसे मीठा जामुन आज भी है, वो प्रजाति रहेगी नहीं रहेगी मालूम नहीं, थोड़े से झाड़ बचे हुए हैं, एक माहिम का पुलिस अपना पोस्ट ऑफिस है उसके बाहर वो अभी भी वो प्रजाति का है, वो बहुत ऊंचा और बहुत जाड़ा होता है और उसके जामुन बहुत बड़े होते हैं और साल में दो बार आता है, ठंडियों के पहले भी आता है वो, वैसे कई सारे प्रजातियों के मछलियाँ उस झरने में थी, जहाँ हमारे राज्यपाल का बंगला है वहाँ कभी पैंथर आया करता था, आपको मालूम नहीं होगा तो एक ज़माना था, ये मुंबई ऐसी थी कई जानवरों से कई प्राणियों से भरी थी, वैसे ही उस झरने से रंग कलरफुल मछलियाँ बह रही है, आप आपके टोपली में से एक एक कश्ती को होड़ी को निकालते हो उस पानी में छोड़ते हो, जिसके ऊपर आपने लिखा हुआ है, जो भी आपको तकलीफ देता है, याद करने से परेशान होते हो आप, दुख हो तो त्रास हो तो त्या घटना त्या होड़ी और ले लेते, और वो होड़ी बहते बहते चली जाती है, और उसको जाते समय देखिए लंबा लंबा टूवर्ड्स होराइजन तक वो फैला हुआ नहर है, और वहाँ से वो नहर और नीचे चला जाता है जाके वो कश्ती भी उसके अंदर जाकर गायब हो जाती है। ये 9 मिनट्स के लिए आपको करना है, पहले 4 मिनट में आपको दे रहा हूँ कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी तकलीफ है, जितने भी घटना है, आंखें बंद करके आपके मन में ही सोचते रहिए, उनको कागज पे लिखकर उनकी होड़ियाँ बनाने को चालू कर दिया मन ही, 4 मिनट थोड़े भरपूर बनती हाँ, कितनी सारी यादें होती हैं, अगर एक ट्रिगर दूँ तो कितना बाहर निकल आता है कि नहीं, शादी के बाद 40 साल के बाद भी पत्नी को एक ट्रिगर मिलता तो वो बोल देती तुम्हारी माँ ऐसी थी वैसी थी, कितनी सारी तकलीफें मैं झेल रही हूँ आफ्टर 40 ईयर्स, जबकि उसकी बेचारे की माँ तो कब की चली गई है, देखो ना कैसेट वहीं पर आ जाता है, टिकिक 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 है ना, और वो भी कहता है कि तेरे बाप ने उस समय शादी में मुझे कैसा बर्ताव किया था, इसके लिए मैं ऐसा हूँ हाँ वगैरह वगैरह, मेरे ससुरे ने मुझे करोड़ रुपया नहीं दिया इसके लिए मेरा धंधा नहीं हुआ, वो भी बोलते रहता है, कुछ भी हो सकता है अपना अपना हर एक का। सो लाइक दैट यू मे हैव एनीथिंग एनी डैम थिंग विथ यू, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन ऑन दैट पर्टिकुलर फुलस्केप पेपर, एक लिखा दो लिखा जितने भी आपके हैं उनको लिखे, उनकी कश्तियाँ बनाइए, या मंगता तो एक दो चार ही होंगे तो उनको निकाल के उनकी जेरोक्स निकालिए और उनके कश्तियाँ बनाकर लेकर जाइए। ओके म्यूजिक लवर्स है, हाँ जी, ब्लैंक है तो खाली कश्तियाँ बनाओ और छोड़ दो बस।